छठ पूजा को लेकर आगरा पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। छठ पूजा के लिए बनाए गए पॉइंट पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी। आतिशबाजी को लेकर घाटों पर अलग से स्थान को चिन्हित किया गया है। घाटों पर बैरिकेडिंग कर पुलिस की ड्यूटी लगा दी गई है। छठ पूजा को लेकर यमुना के दशहरा घाट, कैलाश घाट, बलकेश्वर घाट पर पूजा के लिए पॉइंट बनाए गए हैं। एडिशनल सीपी केशव चौधरी ने बताया, यमुना पर छठ पूजा को लेकर घाटों पर 500 से ज्यादा लोगों की भीड़ रहती है। इसे लेकर घाटों पर पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि रात में भी पुलिस की ड्यूटी लगाइए और महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगाई गई है। आतिशबाजी को लेकर सभी घाटों पर आतिशबाजी करने के लिए अलग स्थान चिन्हित किया गया है और वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं। आगरा में यमुना नदी के कुछ घाटों पर छठ पर्व मनाया जाता है, जिसमें कुछ घाट महत्वपूर्ण है, ये कैलाश घाट है, बलकेश्वर घाट है, दशहरा घाट है। इन सब घाटों पे लगभग में 500 से ऊपर की भीड़ भाड़ रहती है। इस संदर्भ में जो भी पुलिस प्रबंध है वो कराए गए हैं। घाटों पे ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, वाटर बैरिकेडिंग कराया गया है। वहाँ पे शाम में और रात में भी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, लेडी पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है और सभी थानाध्यक्षों को, अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह त्यौहार के दौरान जब लोग आते जाते हैं और वहाँ पर घाट पर अर्घ्य देते हैं, उस दौरान भ्रमणशील रह के इस पर्व और त्यौहार को कुशलता से संपन्न कराएंगे। आतिशबाजी को लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था है? आतिशबाजी छठ के दौरान जो है लोग करते हैं, इसके लिए भी सभी घाटों पर अलग से आतिशबाजी करने के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। साथ ही वहाँ फायर टेंडर की गाड़ियाँ भी लगी रहेंगी, जिससे कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना को रोका जा सके। जनपद वासियों को मैं छठ पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। यह एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है और लगभग में इसमें 2-3 दिन लोग व्रत रखते हैं और लोग घाटों पर जाते हैं। सभी को शुभकामनाएं, पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।